नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम पढ़ने वाले हैं पावर मेजरमेंट पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पावर मेजरमेंट में करीबन ये मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे, ठीक है, आपको मिल गए होंगे, आपने सोल्व भी कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको शेयर कर दिया है, तो वो आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसको पहले सोल्व कर लीजिए और एक बार मेरे से आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे क्वेश्चंस के साथ, मतलब मेरे आंसर्स के साथ। और दूसरा, एक हमने टेलीग्राम लिंक जो है उसका भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो पब्लिक हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर पहले ही क्वेश्चन पोस्ट हो जाते हैं और आपको समय मिल जाता है उनको सोल्व करने का। तो मेक श्योर कि आप उनको, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसको, उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए पहले ही, सो देट आपको फटाफट अभी आपको आंसर्स आपको मिल जाएं और उनको आप चेक करके अपना रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है भाई। तो क्वेश्चंस थोड़े मतलब डिफिकल्ट है, मैं आपको बता दूँ, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं भाई, क्योंकि मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं वो रैंडम वैल्यूज़ ली हैं, मतलब क्योंकि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम ऐसे सोच के वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं कि भाई कुछ से कैलकुलेशन आसान हो। मेन मकसद मेरा कंसेप्ट समझाने से है, ठीक है ना। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। वैल्यूज़ मैं अकॉर्डिंगली चेंज करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। बट द थिंग इज, इनमें जो वैल्यूज़ मैंने ली हुई है क्वेश्चन में वो रैंडम वैल्यूज़ ली हुई है, जो मुझे समझ आया मैंने बस वो ले लिया, लेकिन कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा वैल्यू से, ठीक है ना, कि भाई एक चीज़ दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले एक बार आंसर दे देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से गेट के लेवल से डिफिकल्ट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या इस तरह का तो आ ही नहीं रहा है क्वेश्चंस, ठीक है, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं यार, आप लोगों को नहीं करने की ज़रूरत है, सही है, मतलब आप आराम से आप वो पढ़िए ना जो जिसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है, वो चीज़ आप पढ़िए। अभी जो क्वेश्चन है इनका लेवल भी थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, तो कमज़ोर दिल वाले दूर ही रहे भाई, ठीक है ना। जिनकी अच्छी तैयारी हो गई है, जो टॉपिक में अच्छे से मास्टर बन गए हैं, उनको लगता है कि भाई मैं इस टॉपिक को अच्छे से सोल्व कर सकता हूं, तो वो लोग इसको सोल्व कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं ज़रा आंसर्स दे देता हूं, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन है मेरे पास, तो उनके मैं ज़रा आंसर आपको बता दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे मेरे पास। जरा देखिए, पहले का जो आंसर है, देयर इज 32 वोट। क्वेश्चन नंबर टू जो आंसर है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है देयर इज 0.906। और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो असल में वोट मीटर का तो क्वेश्चन था ही नहीं, सही बताऊं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री में आई एन की जो वैल्यू दे रखी है 5.2517, आई एन इज इक्वल टू 5.2517, ठीक है जी। और नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में जो मैग्नीट्यूड पूछा आपसे जेड का, दैट इज 12.5, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर इज 144.37, 34 या 37 कुछ भी लिखी, ठीक है ना जी। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, 3.409, क्वेश्चन नंबर सेवन 116.67, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है 20, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन आंसर इज 20, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर जो है वो है 59.68 माइक्रोफेरेड, ठीक है भाई, ये आंसर है दोस्तों। तो एक बार मैच कर लीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो सोल्व करते टाइम, तो मैं आपके सामने अभी सोल्व कर देता हूँ। इनकेस अगर आपका कोई गलत है तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, और मेरा जो कैलकुलेशन है उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप उसको पूरा चेक कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह का है। दिस इज 2 ओम, यहाँ पे आपका J4 ओम ये दे रखा है, यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिया हुआ है, और इसमें जो करंट दे रखा है दैट इज 4 ओम 4 एम्पियर, और ये जो दे रखा है दिस इज -J6 ओम,
और यहाँ पे करंट कॉइल लगी हुई है और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल कॉइल लगी हुई है और ये यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का कनेक्शन दे रखा है। ये मेरा कोई वॉट मीटर है भाई, ठीक है, इस तरह कनेक्ट कनेक्टेड है और यहाँ पे आपको दे रखा है 2 ओम। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, कुछ इस तरह का दे रखा है दोस्तों। तो इसमें बोल रहा है द रीडिंग ऑफ द वॉट मीटर विल बी, आपको वॉट मीटर की क्या रीडिंग आएगा आपके आपको ये बताना है। तो वॉट मीटर की रीडिंग के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये वोल्टेज चाहिए और ये करंट चाहिए और इनके बीच का एंगल का डिफरेंस ये, ठीक है, बस हो जाएगा। वोल्ट मीटर यही तो काम करता है, ऐसे तो काम करता है, पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज को रीड करती है, करंट कॉइल करंट को रीड करती है, ठीक है, और उनके बीच का फेज डिफरेंस कोसाइन ले लो बस, ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी। और मुझे मैग्नीट्यूड में बताना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको देनी है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि कई बार डाउट ही रहता है कि प्लस इधर लूँगी माइनस इधर लूँ, ठीक है, मतलब क्या पोलैरिटी लूँ पोटेंशियल पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस, तो वो थोड़ा सा डाउट रहता है, तो उस डाउट को आप दूर कीजिए, ठीक है ना। मतलब अगर इस तरह का कनेक्टेड है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आप रखिएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे इसको करें, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड बोल दूँ तो यहाँ की जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 24 वोल्ट, सही बात है भाई, 6 चौके 24। और वोल्टेज को अगर मैं 0 डिग्री पे ले लूँ, अगर यहाँ की वोल्टेज को अगर मैं 0 डिग्री पे ले लूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ जो 6 एम्पीयर का करंट आएगा ये लीड करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का करंट है, और जो इधर 12 एम्पीयर का करंट आएगा वो आपका वोल्टेज के फेज में होगा। तो अब इन दोनों से मिलके रिजल्टेंट करंट आ जाएगा और ये एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो आएगा 12.65 और जो एंगल बनेगा इसका दैट इज 18.435। इसका जो जो पीछे से जो करंट आ रहा है, इन दोनों का सम कर दिया ना हमने, पीछे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 12.65 एट एन एंगल ऑफ 18.435। बहुत अच्छा भाई, 18.435 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, इनटू 2 कर दो बस। तो अगर आप इनटू 2 करोगे तो जो वी आर वोल्टेज बनेगी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, वी आर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स करोगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा 25.30 एट एन एंगल ऑफ 18.435। बोलिए दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब सुनिए, ये वोल्टेज मेरे पास आ गई है, उसकी आरएमएस वैल्यू ये है और करंट जो है उसका ये वैल्यू है। अब मुझे बताओ वोल्टेज का जो एंगल है वो 18.35 पे इधर ही है भाई, वोल्टेज का एंगल और करंट मेरा लीड कर रहा है, तो आप बताओ वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो मुझे पता चल गया, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। बताओ जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, वी आर एम एस जो वोल्टेज ये रीड करेगा दैट इज 25.30 और जो करंट ये रीड करेगा वो आर एम एस वैल्यू है 4 कॉस ऑफ, बोलिए एंगल का डिफरेंस, एंगल क्या होगा 90 माइनस 18.435। इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो है 32 वोल्ट, ठीक है भाई, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही है आंसर इज 32 वोल्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है ना, वो जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर टू असल में है ही नहीं क्वेश्चन वोट मीटर का, हालांकि जबरदस्ती उसमें वोट मीटर दे रखा है, जरा देखिए क्या है, ये तो केवीएल केसीएल का क्वेश्चन है, सही बताऊं तो 4J2 यहां पे आपका 4 ओम है, दिस इज 4 ओम और यहां पे आपका कोई रेजिस्टेंस दे रखा है और यहां पे आपका J4 ओम दे रखा है, ये दे रखा है 8 एम्पीयर, मतलब पिछला ही क्वेश्चन है कुछ इस तरह का और ये आपको दे रखा है, ये बोला हुआ है वोट मीटर विल रीड 100 वोट, वोट मीटर की रीडिंग दे रखी है आपको 100 वोट। फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर के लिए और यहां की वोल्टेज जो दे रखी है वो 20 वोल्ट दे रखी है, तो पावर फैक्टर के लिए वोट मीटर की जरूरत ही नहीं, सही बताऊं तो आप वैसे ही बना सकते हो पावर फैक्टर, कैसे जरा देखिए पावर फैक्टर निकालेंगे कैसे, मैं यहां की वोल्टेज अगर मैं निकाल दूं, सुनिए अगर मैं VST निकाल दूं और मैं एक करंट निकाल दूं IS सोर्स करंट और ये VS निकाल दो, फेजर में निकाल दो, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जरूरत नहीं है,
तो अगर आप वीएस निकाल दो और अगर आप आईएस निकाल दो तो बात बन जाएगी, ठीक है। जरा देखिए अब कैसे करें इसको, सुनिए, ये मेरा ग्राउंड है, जीरो है, तो ये वोल्टेज आएगी 32 वोल्ट, तो यहां की जो वोल्टेज बन जाएगी वो बन जाएगी 32 वोल्ट, 32 वोल्ट। अब एक काम करता हूं, मैं 32 वोल्ट को 0 डिग्री पे मान लेता हूं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं सिंपल बिना वोल्ट मीटर के भी कर सकता हूं, पॉइंट को समझिए, 32 वोल्ट को मैं 0 डिग्री पे मान लेता हूं, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे जो करंट आएगा अगर वो पता चल जाए, तो अगर 32 वोल्ट मेरा 0 डिग्री पे है, सोचिए 32 वोल्ट मेरा अगर 0 डिग्री पे है, तो इसका मतलब है जो 8 एम्पियर होगा वो भी इधर ही आएगा, 8 एम्पियर आएगा वो भी इधर ही आएगा। अगर मैं ये कर दूं कि भाई ये वाला करंट मैं अगर निकाल दूं तो बात बन जाए, ये वाला अगर करंट आ जाए मेरे पास तो मैं रिजल्टेंट करंट निकाल सकता हूं, आईएस आ जाएगा, वीएस भी आ जाएगा फिर यहां से, ठीक है। अब ये कैसे निकाले, जरा देखिए, यहां पे है 20 वोल्ट, जो आई जो है, अगर एक मिनट के लिए मैं इस आई को 0 डिग्री पे मान लूं, सोचिए एक बार मान लो इस आई को 0 डिग्री पे अगर मान लो इस ब्रांच के करंट को, तो ये जो वोल्टेज आएगी ये लीड करेगी 4i, और ये जो 20 वोल्ट है ये आई के फेज में ही आएगी, और इनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो 32 आना चाहिए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 20 का स्क्वायर प्लस 4i का स्क्वायर इक्वल टू 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आई आ जाएगा दोस्तों, 4i का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे पास आई आया है यहां से, जो मैंने कैलकुलेट किया है, आई इज 12.863, ठीक है, ये बनेगा, और इसका कुछ एंगल भी बनेगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, अभी ये नहीं बनेगा, और मैंने 22 लिख दिया ये, ठीक है, माफ कीजिएगा। देखिए क्या बनेगा, सुनिए, I will be equal to, I की जो वैल्यू आएगी that will be equal to 6.245 at an angle of, कुछ एंगल बनेगा इसका, ठीक है, और एंगल जो बनेगा that will be equal to 51.317, यहां से ये बनेगा, लेकिन ये तब है, नहीं नहीं, I ये जो एंगल आएगा 31, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल, ये नहीं है, ये तो 0 डिग्री आएगा, ये एंगल जो है ये है 51.317, आई जो आएगा वो तो 0 डिग्री पे आएगा ना, वो ये है भाई, ठीक है। अब सुनिए, असल में 32 का एंगल मैंने 0 मान रखा है, इसको 0 डिग्री पे बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये फिर लैग करेगा, कितना लैग करेगा, 51.317, इसका मतलब इधर जो करंट आएगा, वो जो करंट आएगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू 6.245 एट एन एंगल ऑफ माइनस 51.317 डिग्री, ये बनेगा भाई, ये मेरे पास करंट आएगा, समझ आया। मैग्नीट्यूड करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पहले ही निकाल लिया, और मैंने बोला 32 से वो लैग कर रहा है, 32 को 0 डिग्री में अगर लोगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका ये आएगा। दूसरा, यहां पे 8 एंगल 0 है, आप बताओ पीछे से करंट कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, अगर दोनों को ऐड करोगे तो जो मेरा सप्लाई करंट आएगा दैट इज 12.863, जो आई एस बनेगा दैट इज 12.863 एट एन एंगल ऑफ, इसका जो एंगल आएगा दैट इज माइनस 22.27, ये बन जाएगा दोस्तों आई एस, ठीक है। मैंने 8 एंगल 0 और ये वाला जो करंट है दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ यहां की वोल्टेज मुझे पता है, तो सप्लाई वोल्टेज जो वी एस बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 32 एंगल 0 प्लस 4 प्लस जे 2 इंटू दिस करंट 12.863 एट एन एंगल ऑफ -22.27, ठीक है भाई। और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो जो वैल्यू बनेगी, वो जो बनेगी वी एस की वैल्यू, वो बनेगी 89.467 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, एट एन एंगल ऑफ 2.76, मेरे पास इतना कुछ आ रहा है। तो ये वी एस आ गया, तो वी एस मुझे पता चल गया, मुझे करंट पता है आई एस, तो कोसाइन ले लो बस, डिफरेंस कोस ऑफ दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, एक ही बात है, 2.76 में जुड़ जाएगा फिर ये क्या 22.27, ठीक है, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी अगर आप कोसाइन लेते हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.906, ये आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है भाई।
तो आप इसको सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके बाद वोल्ट मीटर की जरूरत ही नहीं थी। असल में मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग बनाना चाह रहा था। क्वेश्चन मैं क्या बना रहा था सुनिए, सेम क्वेश्चन को, चलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इससे अगर मैं आपको होमवर्क दे दूँ, जरा देखिए, सर्किट मेरा यही है, पिछला ही है, 4J2 4 ओम, ये है मेरे पास 4 ओम, और यहाँ पे वॉट मीटर लगा रखा है, एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, और ये आपको कोई इंडक्टर लगा रखा है। क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या है, दिस इज 20 वोल्ट, ये आपको दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक है, और ये है मेरा J4, ये है मेरा वॉट मीटर, आपको कुछ नहीं दे रखा, आपको बताना है रीडिंग ऑफ वॉट मीटर क्या आएगी, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर, कोई करंट नहीं दे रखा, ठीक है, आप निकालिए क्या आएगी रीडिंग ऑफ वॉट मीटर, ठीक है। ये असल में मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, बट मैंने इसको उल्टा बना दिया, ठीक है ना, उल्टा बनाने से क्वेश्चन का जो मजा था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो देखिए आप जरा दिमाग लगाना कि इसमें मैं कैसे करूँगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताइए जरा, 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो आपको एक डायग्राम दे रखा है, जरा देखिए, ये स्टार में कनेक्टेड है, आपके पास कोई लोड है, ठीक है, और इसका जो न्यूट्रल है वो सप्लाई से कनेक्ट है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कुछ कनेक्शन कर देता हूँ। न्यूट्रल जो है वो मेरा इधर है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा है भाई, ठीक है। तो डायग्राम बनाने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो आप मेक श्योर कि आप डायग्राम तो ना बनाएं, ठीक है, आप डायरेक्ट कॉपी में सोल्व करने की आदत बनाओ भाई। अभी एक महीना आपके पास, मुझे लगता है आप इजीली बना सकते हो। ये मेरा वोल्ट मीटर आ गया W1, ये है मेरा W3, ठीक है जी, और यहाँ पे एक करंट कॉइल लगा रखी है, और ये मेरी पोटेंशियल कॉइल है जो आपके इस फेज में लगाई गई है, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का है, हाँ जी, और इधर मेरा सोर्स है, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर मैं जरा सोर्स लगा देता हूँ, ठीक है ना, हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास सोर्सेस लगे हैं, ठीक है भाई। न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है वो न्यूट्रल से कनेक्ट है, और जो ये वाला फेज है ये मेरा बी फेज है, और ये वाला जो है ये मेरा ए फेज है भाई, ठीक है, और ये मेरा सी फेज है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, कुछ इस तरह का, एंड दिस इज W2, ठीक है भाई, ये आपको दे रखा है अभी, और ये करंट दे रखा है 2 एम्पियर, ये Z1 है, दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज Z3, ठीक है, और यहाँ पे 4 एम्पियर, दिस इज Z2, RMS वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये कह रहा है Z1 एंड Z3 लोड्स आर लैगिंग इन नेचर, ये लैगिंग नेचर के हैं, मतलब R+JX टाइप के, ठीक है ना। VN दे रखा आपको, ये जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, ये जो वोल्टेज दे रखी है ये आपको 50√2 दे रखी है, इसका ये जो वोल्टेज होगी इसको मैं RMS में लिखूंगा तो 50∠0 लिख देता हूँ, और ये RMS वैल्यू ध्यान देना, ठीक है, 50 इज RMS, ठीक है। सिमिलरली ये जो बनेगा ऐसे 50∠-120, 50∠+120, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब सुनिए क्या कर रहा है, द रीडिंग ऑफ W1 इज 20, W1 की जो रीडिंग है वो 20 वॉट है, एंड W2 इज 60, W2 की जो रीडिंग है दैट इज 60, एंड W3 इज 40, W3 जो है वो 40 वॉट रीड कर रहा है। द वैल्यू ऑफ IN आपको बताना है, जो न्यूट्रल से जो करंट आएगा, दिस इज IN, आपको IN की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर मेरे पास ये तीनों करंट आ जाए, ठीक है, तो तीनों का सम करके मैं ये निकाल सकता हूँ, आसान कहानी है, तीनों का करंट मुझे पता है बट इनका फेज नहीं पता, ठीक है। तो फेज कैसे निकालेंगे, फेज निकालेंगे इनकी रीडिंग से, वोल्ट मीटर की रीडिंग से। जैसे कि देखिए ये जो वोल्ट मीटर ये क्या रीड करेगा बताओ जरा, वोल्टेज कौन सी रीड करेगा, VN, VN मतलब 0° पे रीड करेगा, दिस इज VN, दिस इज VBN एंड दिस इज VCN। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये आपका 0° वाली वोल्टेज रीड कर रहा है, और जो करंट है लैगिंग करंट आएगा, मुझे नहीं पता कितना लैग करेगा, बट ये क्योंकि लैगिंग नेचर का इंपीडेंस है ना, तो कुछ 5 एंगल लैग करेगा, मान लीजिए 5-1 बोल दीजिए,
तो इसका मतलब ये जो W1 बनेगा, W1 की रीडिंग कितनी दे रखी है आपको 20, तो 20 मस्ट बी इक्वल टू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है विच इज 50, इसके थ्रू जो करंट है विच इज 2, RMS वैल्यू 2 है, cos ऑफ 5 1, तो यहां से मेरे पास cos 5 1 आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 20/100, और यहां से मैं 5 1 निकाल सकता हूं, मुझे पता चल जाएगा इसका एंगल क्या बनेगा, ठीक है, तो यहां से जब मैंने 5 1 निकाला तो वो मैं बता देता हूं, वो आएगा 78.463। इसका मतलब ये जो करंट है IA, ए फेज का, ये इतना लैग करेगा क्योंकि लैगिंग लोड है ना, तो इसका मतलब मैं IA की वैल्यू को लिख सकता हूं, तो IA फाइनली मेरे पास आ गया 2 angle -78.463 degree, बहुत अच्छा भाई, ये मेरे पास IA आ गया, ये मेरे पास आइए आ गया, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट आइए अब इधर से Z3 से, ये वोल्टेज कौन सी रीड करेगा बताओ जरा, ये वोल्टेज रीड करेगा C वाली, C का मतलब ये वाली वोल्टेज VA, VB एंड VC, तो इसका मतलब यहां पे जो RMS वैल्यू वो 50 ही है और करंट की जो RMS वैल्यू है वो है 3। अब cos of वोल्टेज का एंगल इज 120 माइनस करंट का एंगल इज थीटा, मान लीजिए इसका मैं 5 3 ले लेता हूं, चलो ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जो W3 रीड कर रहा है दैट इज 40 वॉट, वो आपका 40 वॉट रीड कर रहा है मान लीजिए, ठीक है ना, तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है, जो मैंने सोल्व किया इसको, तो वो जो बनेगा एक बार निकाल ही लो जरा, cos of 120 माइनस 5 3 विल बी इक्वल टू 40/150, ठीक है ना, तो आप बताइए यहां से जो इसका जो बनेगा 120 माइनस 5 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos इनवर्स, तो मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं क्योंकि मैंने अपने यहां पे थोड़ा अलग मेथड से किया है, 40/150 इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास दैट इज 74.534, तो 5 3 जो वैल्यू बनेगी इसको 120 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो उसका जो माइनस करोगे तो 5 3 जो बनेगा देयर विल बी 45.466, ये आएगा भाई, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए मेरे से कोई मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है, क्योंकि मैंने जो निकाल रखा है वो हाँ निकाला तो ऐसे ही है भाई, ठीक है, ये निकाला, तो ये जो बनेगा मतलब IC मैं बोल सकता हूँ, मैंने वैसे इतना ही कैलकुलेट किया हुआ है, 3 at an angle of, इसका मैंने 5 3 एंगल लिया था तो बन जाएगा 45.466, ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या बन जाएगा IC, बहुत अच्छा भाई। अब यहां पे जो करंट है दैट इज IB, ठीक है, ये करंट IB 4 है बट मुझे इसका एंगल नहीं पता, तो इसको मैं 4 angle theta बोल दू, 4 angle phi 2 बोल देता हूं, क्या कहते हो, 4 angle phi 2 बोलता हूं, तो यहां से जो IN करंट आएगा आप जरा देखें, तीसरे से मैं निकाल पाऊंगा, जो IN करंट आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना बता दूंगा, 2 angle -78.463 प्लस ये जो है, ये है मेरे पास 3 angle, ये जो करंट आ रहा है 3 angle 45.466, और यहां पे कौन सा करंट है बताओ, प्लस 4 angle 5 3, ये मेरे पास IN करंट है। अब बताओ ये जो वॉटमीटर है इसमें करंट IN है और जो वोल्टेज है वो VB वाली वोल्टेज है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है कौन सी वोल्टेज से, 50 angle -120, उसके साथ देखना है, उसके साथ मिलके ये पावर बनाएगा और जो पावर आएगी W2 की वो जो रीडिंग दे रखी है वो आपको दे रखी है 60 वॉट, तो इसका मतलब 60 मस्ट बी इक्वल टू, बोलिए पहला जो करंट है वो 2 है और वोल्टेज है 50 इंटू कॉस ऑफ वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, तो -120 + 78.463, पहला तो ये बन गया, अगला देखिए प्लस IRMS इंटू VRMS जो दूसरा करंट है उसकी वजह से क्या पावर आएगी, कॉस ऑफ वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, तो -120 - 45.466 प्लस अगला बोलिए 4 इंटू 50
कोस ऑफ वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल माइनस 120 माइनस 53, ये मेरी टोटल पावर आएगी और ये 60 के बराबर है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से डायरेक्टली मेरे पास 53 आ जाएगा दोस्तों। 53 विल बी इक्वल टू, वो मैं आपको बता देता हूं, जो 53 बनेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 70 पॉइंट माइनस 70 पॉइंट ये बन जाएगा 6737, इतना डिग्री आएगा भाई, आप एक बार चेक करना ठीक है। तो अगर मेरे पास 53 आ गया, इसका एंगल आ गया, बस तो हो गया, फिर तो आई एन निकालना है, आई एन में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई एन की जो वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, आई एन आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आई एन की जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जो आई एन बना है दर इज 5 पॉइंट, जो रिजल्टेंट बनेगा 5.2517, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बनेगा ये, ठीक है। 53 आते ही वैल्यू पुट कर दो भाई, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वी बी सी रीड करेगा कि वी सी बी रीड करेगा, यहां पे थोड़ा सा डाउट है। तो आप जरा देखिए यहां पे, मतलब ऐसे केस में थोड़ी सी दिक्कत हमें ये रहती है कि पॉजिटिव किधर आएगा नेगेटिव किधर आएगा, ठीक है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो जिधर करंट एंटर कर रहा है उधर वाले पॉइंट को आप ऊपर रखिए, नीचे वाले इसको रखिए, ठीक है ना। तो ऊपर देखा जाए तो ये वी माइनस ऑफ वी बी एन है, माइनस ऑफ वी बी एन है, इस हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन है। बट सही बताऊँ तो पावर पॉजिटिव आ रखी है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई वी बी एन से ही आप करके चलो, मतलब इधर प्लस लो इधर माइनस लो, ये फंडा आप अप्लाई करो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये बात मैं मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब भी दो कॉइल के बीच होता तो पॉजिटिव वोल्टेज आप लेके चलिए, ठीक है ना। अदरवाइज वैसे अगर आप उल्टा भी ले लोगे तो भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, देखना मैग्नीट्यूड आपका सेम ही बनेगा, आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट आइए, अगला केस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है सुनिए, इन द अबो क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z2, आपको इस Z2 की वैल्यू बतानी है। तो ये भी बहुत आसान है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है मुझे और करंट पता है मुझे, तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस बताइए, वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी है, VBN, और VBN इज 50 एंगल माइनस 120, RMS लीजिए क्योंकि करंट भी तो मेरे पास RMS है ना, और करंट है मेरे पास 4 एंगल 5, 5 को छोड़ दीजिए मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 50/4, ठीक है। आप जरा देख लीजिए क्या वैल्यू आएगा, 50/4 जो है वो 12.5 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है, आंसर इज 12.5, ठीक है भाई, ये बनेगा क्वेश्चन 4 था भैया। क्वेश्चन 5 जरा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 5 में आपको एक इम्पीडेंस दे रखा है, जरा देखिए, असल में मैंने इसका जो आंसर है वो थोड़ा गलत दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं उसको देख रहा था साथ साथ सोच रहा था, इसका जो आंसर है वो मैंने आपको मिस्टेक से गलत कर दिया, ठीक है ना। जरा देखिए भाई, 4+J6, 2+J2, और यहाँ पे एक वॉट मीटर लगा हुआ है कुछ इस तरह का है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत मतलब अजीब सा है, सही बताऊँ तो देखिए ना, ये है W2, W1 इज इक्वल टू 60, ये आपको दे रखा है, और ये करंट दे रखा आपको 2 एम्पियर, ठीक है भाई, ये करंट आपको दे रखा 2 एम्पियर, दिस इज 4+J6, दिस इज 2+J2 एंड दिस इज Z3, ये Z3, ये पॉइंट है N, न्यूट्रल पॉइंट, द रीडिंग ऑफ W1 इज 60 वॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ की जो वोल्टेज है वो सोर्स लगा रखा है और उसका न्यूट्रल ग्राउंड दे रखा है, तो विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल यहाँ की वोल्टेज है 50 एंगल 0, RMS वैल्यू, दिस इज ए फेज, दिस इज बी फेज, इसकी वैल्यू है 50 एंगल माइनस 120, और इसकी वैल्यू है 50 एंगल प्लस 120, ये सी फेज है भाई, ठीक है, कुछ इस तरह का है। तो आप सुनिए क्या कह रहा है ये, द रीडिंग ऑफ W2 विल बी, आपको W2 की रीडिंग बतानी है, W1 की देखिए 60। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, W2 के लिए मुझे ये बी फेज है और ये सी फेज, ये वोल्टेज मुझे पता है VBC, ये यहाँ से निकाल लूँगा, अगर ये करंट आ जाए तो मजे आ जाए बस, और इसका फेज आ जाए बस, ठीक है। करंट का फेज तब आएगा जब यहाँ की वोल्टेज आ जाए, क्योंकि ये वोल्टेज तो मुझे पता है,
ये वोल्टेज पता है मुझे 50 एंगल माइनस 120 है, अगर ये वोल्टेज आ जाए तो मैं डिफरेंस निकाल के और डिवाइड बाई ये कर दूंगा तो करंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास करंट आ जाएगा आई बी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वोल्टेज मैं कैसे निकालूं। अब ये वोल्टेज के लिए पावर दे रखी है, इसकी पावर से मैं इसका फेज निकाल लेता हूं, क्या कहते हो, कैसे, जरा देखो। पहले तो बताओ ये वोल्टेज क्या रीड करेगा, ये वोल्टेज रीड करेगा वी ए सी, वी ए सी इज 50√3, वोल्टेज क्या आरएमएस वैल्यू ये है, करंट क्या आरएमएस वैल्यू कितनी है 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल का डिफरेंस, वोल्टेज का एंगल, वी ए सी का जो एंगल आएगा वो -30 होगा। आप कैसे बोलो, बोल सकते हैं बताओ जरा, जरा देखिए ये है वी ए, ये है वी बी और ये है वी सी, तो वी ए सी जो आएगा वो इधर आएगा, आप चेक करके देख लो, ये था मेरा वी सी, ये था मेरा वी बी, तो वी वी माइनस वी सी इधर आएगा तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरफ आएगा, ये 30 डिग्री लैग करेगा, तो इसका मतलब वोल्टेज का एंगल -30 माइनस करंट का एंगल -θ, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपको कितनी दे रखी है बताओ जरा, 60 दे रखी है। तो आप बताओ यहां से, यहां से क्या बन गया, कोस ऑफ -30 माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 60/100√3। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से जो थीटा ही निकलेगा, जो मेरे पास जो थीटा आई आया है दैट इज -99.73 डिग्री, ठीक है भाई, तो इसका मतलब मेरे पास करंट का एंगल आ गया, दिस इज -99.73 डिग्री। अब बताओ ये वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास, और ये वोल्टेज जो बनेगी, ये बनेगी आपका 14.4 एट एन एंगल ऑफ, जो एंगल बनेगा इसका वो बनेगा -43.42, ये बनेगा। तो यहां से आप VN निकाल सकते हो, VN क्या बनेगा, यहां की वोल्टेज विच इज 50 एंगल 0 माइनस दिस ड्रॉप 14.4 एट एन एंगल ऑफ -43.42, और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, जो VN मेरे पास बनेगा वो आएगा 40.75 एट एन एंगल ऑफ 14 डिग्री, ये बनेगा दोस्तों, यहां की वोल्टेज मेरे पास ये आ रखी है, एक बार आप चेक कर लेना कोई मिस्टेक ना होगी यहां पे, ठीक है ना, तो ये मेरे पास VN की वैल्यू आ जाएगी। अब सुनिए, अगर मेरे पास VN आ गया तो बस तो ये करंट आ जाएगा, फिर तो आसान है, IB बताइए क्या बना, IB विल बी इक्वल टू 50 एंगल -120 माइनस VN विच इज 40.75 एट एन एंगल ऑफ 14 डिवाइड बाई इंपीडेंस विच इज 2+j2, और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों IB की, वो जो वैल्यू है वो बनेगी 29.57 एट एन एंगल ऑफ 174.51, कुछ इस तरह का बनेगा भाई 174.51, देख ये आएगा। अब सुनिए, अगर मेरे पास IB आ गया, ये वोल्टेज मुझे पता है VBC, VBC जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, -90 पे, तो आप बताओ जो वोट मीटर W2 जो रीड करेगा वो क्या बनेगा, वो होगा वोल्टेज की वैल्यू VBC विच इज, VBC इज 50√3 इनटू करंट, करंट कितना है 29.57 कोस ऑफ, बताओ एंगल का डिफरेंस, वोल्टेज का एंगल है -90 माइनस करंट का एंगल कितना है 174.51, तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों दैट विल बी -245, मेरे पास जो आंसर है वो है -245 वोल्ट, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अभी, ठीक है, ये आंसर आएगा, तो W2 की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी -245 वोल्ट, ठीक है ना, एक बार आप देख लीजिएगा, सिंपल कहानी थी। अब मैंने बोला ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर आप टोटल पावर निकालोगे तो W1+W2 टोटल पावर आएगी, आप बोलोगे नहीं सर W1+W2 तो बैलेंस लोड के लिए होती है, अनबैलेंस लोड अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तब भी आप 2 वोल्ट मीटर से टोटल पावर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट केस है। तो अगर आप टोटल पावर निकालोगे तो टोटल पावर निगेटिव आएगी, इसका मतलब असल में ये पावर को डिलीवर कर रहा है, बट आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है जो डिलीवर कर रहा है, तो वो चीज़ शायद तीसरे इंपीडेंस में हो या कुछ भी, मे बी कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट मैं अभी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, जिस तरह की थ्योरी मुझे दी गई है उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, तो आंसर विल बी -245। अब ये कह रहा है फॉर द अबो केस, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए Z3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको Z3 की वैल्यू बतानी है दोस्तों, क्या होगी Z3, ठीक है ना, इंपीडेंस ये वाला इंपीडेंस आपको बताना है ये कितना होगा। अब ये कैसे निकालें Z3, इस Z3 को कैसे निकालोगे वो जरा देखिए,
अगर देखो मुझे यहाँ की वोल्टेज पता है 50 एंगल 120, यहाँ की वोल्टेज पता है, अगर ये करंट आ जाए IC, तो पहले काम करते हैं IC निकालते हैं। अब IC कैसे निकालेंगे, मैं जानता हूँ IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू जीरो, तो यहां से जो IC आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ IA प्लस IB, IA प्लस IB, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ IA, क्या है बताओ जरा, IA बोलिए कितना है, IA जो है वो ये रहा 2 एंगल माइनस 99.73 प्लस IB कितना है बताओ जरा, IB की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, कितनी थी IB, दिस इज IB 29.57 एट एन एंगल ऑफ 174.51, ये बन गया IC, तो IC की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू IC, मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे पास IC आएगा, मैं भी जो भी आएगा IC आप निकाल लेना, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा बताओ जरा, दिस वोल्टेज डिफरेंस 50 एंगल 120 माइनस दिस VN, और VN की वैल्यू क्या है बताओ जरा, 40.75 एट एन एंगल ऑफ 14 डिग्री डिवाइड बाय दिस IC, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। मेरे पास जो वैल्यू आ रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जो इसकी वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, 2.44 मेरे पास ये आंसर आया अभी, ठीक है, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास यही आंसर है 2.44, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अभी, ठीक है, तो आसान है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का जो आंसर था वो मैंने गलत दे रखा था, उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन आपको जो इंपीडेंस दे रखे हैं वो अनबैलेंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अनबैलेंस्ड इंपीडेंस दे रखे हैं और न्यूट्रल इसका ग्राउंडेड है और सिंगल वोट मीटर लगा रखा है। अब सिंगल वोट मीटर से अगर आपको ध्यान हो तो टोटल पावर मेजर तभी कर सकते थे जब बैलेंस लोड होता है, बट अगर लोड मेरा बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो जरा अपने को समझना है। देखिएगा दोस्तों कुछ इस तरह का आपको ये दे रखा है, ठीक है, हाँ जी, और आपको दे रखा है VN, मतलब यहां की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल जो दे रखी है वो है 50 एंगल 0, 50√2 मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, तो जो वैल्यू आएगी वो 50 एंगल 0 बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, सीक्वेंस इज ABC, ठीक है, ये पोजिशन जो है ये पोजिशन 1 है मेरी, यहाँ पे स्विच है, और ये मेरी पोजिशन 2 है भाई, ठीक है, ये मेरा स्विच है, कुछ इस तरह का दे रखा है। अब सुनिए क्या करें, द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर इज 40 वॉट एंड 60 वॉट वेन द स्विच इज है इज कनेक्टेड टू पोजिशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है जब पोजिशन 1 पे है तो W1 की जो रीडिंग है दैट इज वो दे रखी है आपको कितनी, 40 वॉट, और जब स्विच 2 पे है तो 60 वॉट है भाई, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द टोटल पावर लॉस इन द लोड, आपको बताना है लोड में टोटल पावर लॉस क्या आएगी, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, जरा देखिए दोस्तों। अच्छा एक चीज और दे रखी है आपको, क्या Z1 इक्वल टू 2Z2 इक्वल टू Z3/2, और इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लगा रखा, तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज भी ऐसा होगा और एंगल वाइज भी ऐसा ही होगा, मतलब इनका सबका एंगल बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल होगा इस मतलब ये जो मैग्नीट्यूड होगा इसके डबल होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा Z1 का वो Z3 के मैग्नीट्यूड से हाफ होगा, सिंपल है, मतलब फेस सबका बराबर होगा लेकिन, ठीक है ना। अब सुनिए, अगर मैं इसको ए बोल दूं क्योंकि कनेक्टेड दिया भी हुआ है वैसे ए, ठीक है, और ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ठीक है, ऐसे ही है कुछ मेरे ख्याल से। तो अब जरा देखिए, जिस टाइम पोजिशन 1 पे कनेक्ट था तो मैं बोल सकता हूं VA ऊपर की वोल्टेज है माइनस VC इंटू IA, ये करंट है मेरा IA, इसकी जो एवरेज वैल्यू है ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 40, तो बाद में एवरेज ले लेंगे, चलो। प्लस जब स्विच 2 पे कनेक्ट है तो ऊपर VA रीड करेगा, नीचे बताओ VB रीड करेगा, और करंट होगा IA, इस पूरे की जो एवरेज वैल्यू है वो 100 आनी चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि दिस प्लस दिस अगर आपने किया टोटल तो 100 बनना चाहिए, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू। अब सुनिए,
यहां से अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं वी ए आई ए और यहां से वी आई ए, तो टू टाइम्स ऑफ वी आई ए माइनस आई ए मैंने कॉमन ले लिया और क्या बन गया वी बी प्लस वी सी इक्वल टू 100। अब बताओ मैं जानता हूं वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ये तो बैलेंस सिस्टम है, पीछे सप्लाई बैलेंस आ रही है तो ये जीरो होगा, तो इसका अंदर वी बी प्लस वी सी को माइनस वी ए लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा थ्री वी ए आई ए एंड दिस विल बी इक्वल टू 100। तो यहां से वी ए आई ए क्या आ गया, वी ए आई ए जो मेरे पास आया वो आया 100 बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, इसका मतलब एवरेज वैल्यू जो है ये फेज 100 बाई 3 पावर लेगा, जो एवरेज पावर आएगी इस फेज की वी आई ए, यहां पे न्यूट्रल है, सोर्स का भी न्यूट्रल है, सोर्स का भी न्यूट्रल है, इसका अंदर जो सोर्स की वी एन होगी वही इसके अक्रॉस आएगी, तो उससे जो वी आई ए जो पावर इसमें अब्सॉर्ब होगी वो 100 बाई 3 होगी। ठीक है, अब सुनिए यहां पे 100 बाई 3 हो रही है तो ए फेज में जो पावर आएगी दैट इज 100 बाई 3। अब सुनिएगा, मान लीजिए इसमें करंट आई है आरएमएस करंट, ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए जेड टू में वोल्टेज तो इसके अक्रॉस भी वही है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका आधा है, जेड टू विल बी इक्वल टू जेड वन बाई 2, फेज सेम है बस मतलब मैग्नीट्यूड हाफ है। तो आप बताइए, मैं ये बोल सकता हूं अगर Z1 के अंदर R प्लस जी एक्स है तो Z2 के अंदर जो होगा वो होगा R बाई 2 प्लस जे एक्स बाई 2। सही है, अगर मैं करंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं बोलूंगा V का मैग्नीट्यूड बाई दिस इंपिडेंस Z2 का मैग्नीट्यूड, और Z2 का मैग्नीट्यूड जो है वो Z1 के मैग्नीट्यूड का हाफ है। करंट जो आई था वो क्या था, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वी है, इसके अक्रॉस भी वी है, इसके अक्रॉस भी, तो वी बाई जेड वन का मैग्नीट्यूड, ये आई आई था मेरे पास, ये वाला करंट था, आई ए बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये वाला जो करंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड बस यहाँ पे जेड टू हो जाएगा और जेड टू जो है वो जेड वन का हाफ है आप देख सकते हो, तो इसका अंदर करंट जो यहां पे बनेगा आई बी वो आपका टू टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा आई ए आ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह सेम ही है नहीं, बस इंपीडेंस का मैग्नीट, तो इसका मतलब यहाँ पर डबल करंट आएगा, तो इसका मतलब यहां पे जो पावर लॉस आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 2IA का स्क्वायर इंटू आर बाई 2, ये पावर बनेगी। पहले क्या थी बताओ इसके अंदर पावर, इसके अंदर पावर थी IA का स्क्वायर इंटू आर और वो थी 100 बाई 3। इस फेज में IA करंट था, रेजिस्टेंस था R, तो IA का स्क्वायर इंटू आर ये 100 बाई 3। अब जो इस फेज में पावर आएगी, करंट आपका क्या होगा डबल और रेजिस्टेंस क्या हो गया आर बाई 2, तो यह बन जाएगा 2IA स्क्वायर इंटू आर, इसका अंदर इसमें जो पावर लॉस आएगी पी बी वो डबल हो जाएगी 200/3 ये आएगी। ठीक है भाई, अब आइए यहां पे, यहां पे क्या हुआ बताओ जरा, जेड थ्री जो है वो डबल है, रेजिस्टेंस डबल है, इंपीडेंस की वैल्यू डबल है, तो इसका मतलब ये जो करंट आएगा ये आधा करंट आएगा, वोल्टेज तो इसके अक्रॉस भी मैग्नीट्यूड वही है, इंपीडेंस की वैल्यू मेरी डबल हो गई है, आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब जो करंट आएगा वो हाफ आएगा, इसका मतलब इसमें जो करंट आएगा वो आई ए बाई 2 आएगा, जो ए फेज में करंट आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड का आधा करंट आएगा और इसका स्क्वायर इंटू टू आर, रेजिस्टेंस मेरा 2R है, तो ये बन जाएगा आई ए स्क्वायर आर बाई 2, आई ए स्क्वायर आर बाई 2 ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, आई ए स्क्वायर आर जो है 100 बाई 3 है, बाई 2 करोगे तो 50 बाई 3 जो है ये मेरा सी फेज की पावर आ गई। तो आप बताओ टोटल पावर बतानी है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है, तो आप तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा 350 बाई 3 वॉट, ये मेरा टोटल पावर आएगी भाई, आसान कहानी थी। कुछ लोग क्या करते हैं W1 प्लस W2 कर देते हैं सिंगल वोट मीटर मेथड, तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे 100 वोट मेरा आंसर है। ये तब होता जब ये मेरा बैलेंस लोड होते सारे के सारे, जब मेरे सारे सारे बराबर होते, तो बराबर होते सब में पावर बराबर बराबर होती, उससे आप सीधा सीधा 100 वोट बोल देते। फिलहाल आपका 100 वोट नहीं होगा दोस्तों, 350 बाई 3 होगा। सही है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस तरह का इंपीडेंस दे रखे हैं, ध्यान से समझिएगा, जेड एंगल थीटा जेड, यह है मेरा जेड एंगल थीटा जेड और यह है जेड एंगल थीटा जेड, कुछ इस तरह का दे रखा है आपको, ठीक है भाई, और यहां पे एक वॉट मीटर लगा रखा है और इस वॉट मीटर का जो दूसरा एंड है वो आपका संवेद यहां पे है, ठीक है भाई, एक और वोट मीटर लगा रखा है जरा देखिए, वो आपका यहां पे है और जो पोटेंशियल कॉइल है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है,
जो पोटेंशियल कॉइल है वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ये मेरा एक वोल्ट मीटर है W2, ठीक है भाई, और ये मेरा है W1, ये वोल्ट मीटर मेरा W1 है। ये कह रहा है द रीडिंग ऑफ W1 इज 40 वोल्ट, ये है मेरा 40 वोल्ट, ठीक है भाई, एंड द रीडिंग ऑफ W2 इज 60 वोल्ट, ये है मेरा 60 वोल्ट 60 वोल्ट। फाइंड द टोटल पावर लॉस इन द लोड, लोड में आपको टोटल पावर लॉस बतानी है क्या होगी इसमें, ठीक है, और बैलेंस लोड है तो न्यूट्रल को ग्राउंड करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो वॉट मीटर है मेरा ये क्या रीड करेगा, इधर है मेरा ए फेज, इधर है मेरा बी फेज और इधर है मेरा सी फेज, ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा है मेरे ख्याल से, हाँ ऐसे लिखा हुआ ए बी और सी, नीचे बी है भाई मेरा, ठीक है ना, नीचे बी है ऊपर सी है, बिल्कुल सही है। तो आप जरा देखिए डब्ल्यू टू जो होगा वो बनेगा √3 वी फेस आई फेस कोस ऑफ बताइए क्या बनेगा, यहां पे ये -30 आएगा, इसका एंगल एसी का एंगल वी एसी इज -30, ठीक है, और जो करंट होगा ये मेरा जो होगा ये थीटा जेड लैग करेगा। अगर मैं वोल्टेज को 0 डिग्री पे मान लूं इसके अक्रॉस, वोल्टेज वाले हालांकि दी नहीं है इसने, तो अगर मैं 0 डिग्री मान लूं तो ये -θz होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 30 -θz में भी इस तरह का कुछ बनेगा 30 -θz, ठीक है। अब जरा देखिए कैसे, वी ए को इधर मान लूं, वी बी को इधर मान लूं, वी सी को इधर मान लूं, तो वी ए सी इधर आएगा भी जो ये रीड कर रहा है वी ए सी, और जो करंट होगा वो θz लैग करेगा, करंट जो होगा वो मेरा θz लैग करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 30 है और ये θz है, तो बीच का एंगल जो हो गया 30 - θz हो गया, ठीक है ना, तो cos ऑफ 30 - θz इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा दूसरा देखिए, करंट जो है ये मेरा आई फेज है, आई फेज, ठीक है, और वोल्टेज जो है ये कौन सी बताओ जरा, ये जो वोल्टेज रीड कर रहे हैं ये आई फेज कितने एंगल पे आएगा बताओ जरा, जो वी बी है दिस इज वी ए, ये वी बी है, वी बी से कुछ θz लैग करेगा ये वाला जो करंट होगा, वी बी जो फेज की वोल्टेज होगी उससे θz लैग करेगा, लेकिन ये जो वोल्टेज मेजर होगी ये वी सी ए वोल्टेज मेजर होगी, वी सी ए, तो वी सी ए किधर होगा, वी ए इधर है, वी बी इधर है, वी सी इधर है, तो वी सी ए जो होगा, वी सी माइनस वी ए कर दो ना, वी सी माइनस वी ए करोगे तो वी सी ए जो आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, ठीक है, मतलब ये जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री बनेगा। अब आप बोलिए ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये है मेरा 150 डिग्री, ये है मेरा 30 डिग्री, ठीक है भाई। अब बताइए ये एंगल क्या बनेगा, यहां से वी बी के साथ ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा 90, मुझे लगता है ये 90 बनेगा, आप चेक करके देख लो भाई, और उसमें से थीटा जेड माइनस कर दो तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा 90 - θz। इसका मतलब ये जो पावर रीड होगी 40, दिस 40 मस्ट बी इक्वल टू √3 वी फेस आई फेस कोस ऑफ 90 - θz ये बनेगा। अब आप बोलोगे कैसे, जरा देखो ये जो है ये मेरा -120 पे है और ये जो है ये 150, तो आप बताओ 150 ये है और 240 ये है, -120 का मतलब 240 पे ये है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा 90 का आएगा, 90 में से θz माइनस कर दो, ये जो एंगल आएगा इस करंट का और इस वोल्टेज का, मतलब जो ये करंट आ रहा है और जो ये वोल्टेज है VCA, इसके बीच का जो एंगल होगा 90 - θz होगा, इसका मतलब ये जो पावर है ये असल में रिएक्टिव पावर है √3, इसको वॉट नहीं लिखना चाहिए था, क्या वी फेज आई फेज ये बन जाएगा sin θz, इसकी वैल्यू आ गई है, और मुझे पता है 60 = √3 वी फेज आई फेज cos of 30 - θz, ये दूसरा है भाई, ठीक है। अब यहां से मुझे पावर टोटल लोड की पावर बतानी है, लोड तो मेरा बैलेंस है, तो लोड की जो पावर आएगी वो आएगी 3 V phase I phase cos θz, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है भाई। अब ये कैसे निकाले, इसको जरा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, जरा देखिए √3 V phase I phase ये बनेगा cos 30 इज √3/2 इंटू cos θz प्लस sin 30 1/2 इंटू sin θz, ये बनेगा दोस्तों, और इसकी वैल्यू दे रखी है 60। फर्दर इसको
अलग अलग कर दीजिए. तो रूट थ्री वी फेज आई फेज इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे बाई टू कोस थीटा जेड, ये बन गया प्लस बोलिए रूट थ्री बाई टू वी फेज आई फेज साइन थीटा जेड, और ये जो है ये मेरा 60 है भाई. अब सुनिए रूट थ्री वी फेज आई फेज इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, रूट थ्री वी फेज आई फेज साइन थीटा जेड इसकी वैल्यू आपको दे रखी है. कहां दे रखी है बता जरा, रूट थ्री वी फेज आई फेज साइन थीटा जेड, ये देखो ना यहां पे ये दे तो रखी है, ये कितनी है 40, ये 40 दे रखी है, डिवाइड बाई 2 कर दो तो 20 उधर जाएगा तो आप बताइए 40 रह जाएगा. तो इसका इसकी जो वैल्यू आएगी विच इज 3 वी फेज आई फेज कोस ऑफ थीटा जेड, कोस ऑफ थीटा जेड बाई टू विल बी इक्वल टू, बताइए क्या बना, इसकी वैल्यू जो है वो है अपने पास 40 बाई टू करोगे तो 20 उधर जाके आएगा 40 बन जाएगा. तो अपने को तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए भाई, इसकी वैल्यू क्या बनेगी फिर, वो बनेगी 80 वोट. और मैंने क्या दे दिया गलती से, मैंने आपको 20 वोट दे दिया, इसको ठीक कर लेना भाई, आंसर विल बी 80 वोट, आंसर जो आएगा वो 80 वोट आएगा, 80 वोट विल बी करेक्ट. ठीक है भाई, तो आंसर विल बी 80 वोट. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन भी अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए आपको कुछ इस तरह का ये कनेक्टेड है, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये इस तरह कनेक्टेड है. ठीक है देखिए, ये है मेरा ए फेज, ये है मेरा ए पॉइंट, ये है मेरा बी पॉइंट और ये है मेरा सी पॉइंट. ठीक है भाई, कुछ इस तरह का दे रखा है, और ये है मेरा जेड एंगल थीटा जेड, जेड एंगल थीटा जेड, जेड एंगल थीटा जेड, कुछ इस तरह का दे रखा है भाई. ठीक है ना, और यहां पे मुझे वाट मीटर लगा रखा है, यहां पे मेरे पास वाट मीटर है दोस्तों. ठीक है, और ये आपको कुछ इस तरह का दे रखा है, यहां पे स्विच है और ये पोजिशन 1 है, ये मेरी पोजिशन 2 है. जरा देखिए क्या कराइए, थीटा जेड की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा जेड इज 30 डिग्री, ये मेरा वाट मीटर है भाई. ठीक है, क्या बोल रहा है सुनिए, वी ए बी, वी ए बी इज, वी ए बी जो दे रखा है दैट इज 100, तो इसको 100 एंगल 0 बोल सकते हो आप. वी बी सी 100 एंगल माइनस 120 एंड वी सी ए 100 एंगल प्लस 120, ये दे रखा है दोस्तों. When the switch is at position 1, the reading of voltmeter is 40 volt. जब ये यहां पे है तो ये 40 volt read कर रहे हैं. ठीक है, When the switch is at position 2, what will be the reading of the voltmeter? 2 पे होगा तो reading क्या होगी आपको बताना है. तो मैं काम करता हूं, इसको मैं स्टार में कन्वर्ट कर लेता हूं, थोड़ा आसानी रहेगी. देखिए कुछ इस तरह का आगे भी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, यहां पे पोजीशन 1 है भाई, और यहां पे पोजीशन 2 है, एंड ये जो है ये मेरा 40 वोल्ट है. सही है, अब सुनिए इसमें क्या कर रहा है, सुनो, जब पोजीशन 1 पे है तो 40 वोल्ट है. पोजीशन 1 का क्या मतलब है जरा देखिए, पोजीशन 1 का मेरा मतलब क्या है सुनिए, इसका तो यहां पे कनेक्ट है, तो वोल्टेज कौन सी रीड होगी बताओ पोजीशन 1 पे, वीएसी, और वीएसी वीसीए आपको दे रखा है, तो वीएसी क्या हो जाएगा, वीएसी 100, और क्योंकि 100 मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि साइनोसाइड में दे रखा है आपको, तो 100/√2 कर दो, आरएमएस वैल्यू ये आएगी 100/√2, और इसका जो एंगल आएगा वो -60 डिग्री आएगा, वीएसी का एंगल जो आएगा वो -60 डिग्री आएगा. ठीक है ना, क्योंकि इसमें -180 हो जाएगा ना, तो -60 डिग्री आएगा. तो इसका मतलब जो वोल्टेज रीड होगी वो -60 पे होगी, ये -60 बन जाएगा, ये मेरा वोल्टेज रीड करेगा भी पोटेंशियल कॉइल, और जो करंट रीड होगा वो कौन सा रीड होगा, यहां से जो करंट जाएगा
अब वो करंट आप यहां से निकाल सकते हो स्टार से, अगर डेल्टा से दिक्कत आ रही है तो स्टार से देखिए, लेकिन उसके लिए मुझे ये वोल्टेज चाहिए, बैलेंस सिस्टम है, मेरे को पता है VAB ये है, और स्टार में अगर VAB इतने पे है तो जो जो फेज वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो आपकी क्या करेगी बताइए जरा, वो आपकी लैग करेगी। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज आएगी, ये जो बनेगी, ये बनेगी 100/√3, और √2 और कर दो क्योंकि RMS वैल्यू मुझे चाहिए, और एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, -30, क्योंकि लाइन वोल्टेज लीड करती है स्टार में, तो लाइन वोल्टेज अगर 0° पे तो फेज वोल्टेज -30 पे होगी, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा करंट आएगा 100/√6 एट एन एंगल ऑफ -30, ये मेरे पास सॉरी वोल्टेज आएगी, जो करंट आएगा वो क्या आएगा, डिवाइड बाय क्या कर दो, z/3 एट एन एंगल ऑफ 30°, क्योंकि जो इंपीडेंस एंगल है वो 30 दे रखा है। तो आप बताइए ये जो बनेगा ये बन जाएगा आई, मुझे नहीं पता क्या बनेगा आई, एट एन एंगल ऑफ -60, ये मुझे पता चल गया कि जो करंट आएगा इसमें वो -60 पे आएगा, ये मुझे पता चल गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो करंट आएगा आई एंगल -60 आएगा, वही करंट यहां से भी तो बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो जब ये 1 पे कनेक्ट था तो वोल्टेज थी मेरे पास 100/√2 RMS वोल्टेज, RMS करंट मेरे पास आई था cos 0, और इसकी जो रीडिंग दे रखी है दैट इज 40, तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, आई जो बनेगा मेरे पास 40√2/100, इसका मतलब 0.4√2 ये बनेगा मेरे पास आई, करंट की वैल्यू ये आ जाएगी, ये मेरे पास करंट आएगा, ठीक है ना, यहां से ये करंट आएगा जब ये पोजिशन 1 पे था। जब ये पोजिशन 2 पे होगा तब क्या होगा, करंट तो सेम ही रहेगा, अब आई का मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है, वोल्टेज कौन सी रीड करेगा बताओ जरा, वोल्टेज रीड करेगा VAC और VAB, माफ कीजिएगा ये B है, VAB, तो VAB रीड करेगा, VAB मतलब 100, तो 100/√2 ये तो वोल्टेज रीड हुई, और इसका एंगल 0°, ये ध्यान देना, करंट जो है वो है 0.4√2 कोस ऑफ, बताइए क्या बनेगा, जो वोल्टेज रीड की है उसका एंगल है 0°, और जो करंट है वो -60 पे है, तो cos 60°, और cos 60° क्या होता है, cos 60° हाफ, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 0.2 रह जाएगा भी, ठीक है। तो आप जरा देख लीजिए क्या बना, और √2 से √2 कट जाएगा तो कितना बना बताओ जरा, ये बन जाएगा 20 volt, ठीक है। तो जब ये पोजिशन 2 पे होगा तो कितनी रीडिंग आएगी बताओ जरा, आंसर जो आएगा मेरे पास वो आएगा 20 volt। मैं जरा चेक कर लेता हूँ मैंने जो आपको आंसर दिया है वो क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था ये, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का 20 volt इज करेक्ट, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखा है, द पावर फ्लोइंग इन अ 3-phase 3-wire बैलेंस लोड सिस्टम इज मेजर्ड बाई 2 voltmeter मेथड, 3-phase सिस्टम है मेरा जरा देखिए, और 3-wire सिस्टम है इस तरह है, न्यूट्रल मतलब कनेक्टेड नहीं है, ये कह रहा है बैलेंस है लेकिन, ठीक है ना, तो न्यूट्रल कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, 2 voltmeter मेथड से आप रीड कर रहे हो, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है भाई, इस तरह से आप रीड कर रहे हो भाई 2 voltmeter, ये W1 है और ये मान लीजिए मेरा W2 है, ठीक है, एक मेरा W1 है एक मेरा W2 है, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ए इज, ये ए है ये मेरा बी है, तो डब्ल्यू ए जो बनेगा वोल्टमीटर ए की जो रीडिंग है दैट इज 7500 volt, और जो बी है वो मेरा रीड कर रहा है दैट इज -1500 volt, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो इसका मतलब W जो 75 वाला है उसको मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, जो W A है 7500 दैट विल बी इक्वल टू √3 वी फेस आई फेस कोस ऑफ 30-5 लिख देता हूं इसको, और दूसरा जो -1500 है वो है √3 वी फेस आई फेस कोस ऑफ 30+5 दे रखा है, ठीक है भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब बताइए टोटल क्या बना, ये टोटल बन गया मेरा 5000 इज इक्वल टू W1+W2 हो गया ना ये, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 times ऑफ वी फेज आई फेज cos 5, ये बन गया, ठीक है। अच्छा वी फेज की वैल्यू हालांकि इसने दे रखी है बट मैं यहां से फाई निकालना चाहता हूं, cos फाई निकालना चाह रहा हूं, जरा देखिए अगर मैं W1 minus W2 कर दो तो मे बी यहां पे 6000 आएगा भाई, हाँ जी,
W1 माइनस W2 करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये बन जाएगा 9000, दैट इज W1 माइनस W2। और उसकी जो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से, जब आप W1 माइनस W2 करोगे तो ये जो बनेगा cos A इंटू cos B, तो cos 30 cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B बनेगा, और यहाँ पे माइनस sin A इंटू sin B बनेगा, तो sin वाली टर्म मेरे ख्याल से कट जाएगी भाई। ठीक है, जरा देखिएगा, मेरे हिसाब से मैंने ये गड़बड़ कर दी ना, नहीं मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, एक मिनट, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, तो साइन वाली टर्म डबल हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3 वी फेज आई फेज साइन फाइव। ठीक है, तो अब बताइए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन फाइव बाई कोस फाइव, मतलब W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2 की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू, और इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 10 phi। तो यहां से मैं phi निकाल लेता हूं दोस्तों। ठीक है, जो मेरे पास phi आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 68.95, ये है भाई, एक बार चेक कर लीजिए, जो 10 phi बनेगा √3 इंटू यहां पे बनेगा 9000 बाई 6000, तो 9 बाई 6, 3 से कट कर दो तो 3 बाई 2, तो 3√3/2 बनेगा। ठीक है, तो 3√3/2 की वैल्यू जब मैंने निकाली है तो 68.95 बनी है, ये मेरा फिलहाल फाई है, पावर फैक्टर एंगल है इंपीडेंस का। ठीक है, अब सुनिए क्या कर रहा है ये, यहां तक हमने सोल्व कर दिया, अब ये कह रहा है इफ द वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज 400 वोल्ट, लाइन वोल्टेज आपको दे रखी है, अभी कितनी है 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज मेरी दे रखी है। ठीक है, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईच फेज, ये कह रहा है हर एक फेज में मुझे पैरेलल में लगाना है, इसने ये दे दिया है पैरेलल में, अगर ऐसे पैरेलल ना लिखता तो सीरीज और पैरेलल दोनों हो सकते थे, ये कह रहा है मुझे कैपेसिटर लगाना है हर एक फेज के पैरेलल में। ठीक है, मुझे कैपेसिटर लगाना है हर एक फेज के पैरेलल में, ये कह रहा है सी की वैल्यू बताइए क्या आनी चाहिए। ठीक है, सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए टू कॉज द होल ऑफ द पावर मेजर्ड टू अपियर ऑन वॉट मीटर ए, ये कह रहा है कि सारी की सारी पावर कौन मेजर कर ले, वॉट मीटर ए मेजर कर ले, तो आप बतानी है कि कैपेसिटर की वैल्यू आपको क्या सेलेक्ट करनी है, और ये दिया हुआ है कि कैपेसिटर मेरा पैरेलल में लगाना है। मुझे एक बात बताइए, यहां पे जो ये फेज एक्टिव पावर ले रहा है वो कितनी ले रहा है, मैं जानता हूं टोटल एक्टिव पावर 3 फेज की ये है, तो पर फेज क्या होगी, पर फेज जो होगी वो 2000 होगी, इसका मतलब ये जो एक्टिव पावर ले रहा है वो 2000 वोल्ट ले रहा है, और इसका जो पावर फैक्टर है वो है कोस ऑफ 68 पॉइंट, जरा देखिए कितना एंगल आया था हमारे पास 68.95, ये इसका पावर फैक्टर है, तो इससे मैं इसकी एक्टिव और रिएक्टिव वो निकाल सकता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता दूं इससे इसकी जो रिएक्टिव पावर आएगी, पहले तो अपेरेंट पावर बताओ, अपेरेंट पावर जो बनेगी वो बनेगी 2000 डिवाइड बाई कोस ऑफ 68 पॉइंट, मैं जरा इसको कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए, कोस ऑफ 68.95। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.3592, ये वैल्यू आ रखी है, और 2000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे तो मेरे पास अपेरेंट पावर आ जाएगी विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा 5568.2 VA, ये बन जाएगा। अब मुझे बताइए रिएक्टिव पावर कितनी ले रहा है लोड, रिएक्टिव पावर जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस एक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ले लो और जो अपेरेंट पावर है उसका स्क्वायर कर दो माइनस एक्टिव का स्क्वायर कर दो, और एक्टिव जो पर फेज है वो 2000 है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 5196.62 VAR लगे। ठीक है, इतनी रिएक्टिव पावर ये डिमांड कर रहे हैं भाई लोग। ठीक है, अब सुनिए ये कह रहा है मुझे कैपेसिटर लगाना है, मैं पर फेज देखना चाह रहा हूं, बस ध्यान देना, मैं पर फेज बस जानना चाह रहा हूं, देखिए मैं पर फेज डायग्राम बना देता हूं, मैं पर फेज देखना चाह रहा हूं बस। ठीक है, मैंने कैपेसिटर लगाया, आप मुझे बताओ पीछे से जो एक्टिव पावर आएगी पर फेज वो 2000 ही रहेगी, बट रिएक्टिव बदले क्यों, क्योंकि एंगल बदल गया ना पावर फैक्टर। अब आप सोचिए ये वोल्टमीटर सारी रीड करना चाहिए, मतलब ये वाला जो वोल्टमीटर है W1 WA वही सारी रीड करना चाहिए, तो वो केवल तभी सारी की सारी पावर रीड करेगा जब फाई की वैल्यू क्या हो जाए 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ओवरऑल पावर फैक्टर एंगल आएगा वो आपका 60 डिग्री होना चाहिए, तो पावर फैक्टर जो बनना चाहिए वो अब क्या बनना चाहिए बताओ जरा, हाफ, जो पावर फैक्टर ओवरऑल आना चाहिए वो हाफ आना चाहिए। तो आप बताओ एक्टिव पावर तो लेकिन सेम ही रहेगी, क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स है विच इज 400 बाई √3, क्योंकि लाइन वोल्टेज आपको जो दे रखी है
वो आपको 400 वोल्ट दे रखी है, तो फेज वोल्टेज होगी वो 400/√3 हो जाएगी। तो आप बताओ एक्टिव पावर पीछे से सेम आएगी, अपेरेंट क्या आएगी फिर पीछे से? अपेरेंट जो बनेगी वो 4000 बन जाएगी, तो फिर रिएक्टिव क्या आएगी फिर पीछे से? रिएक्टिव जो बनेगी वो बनेगी 4000 का स्क्वायर माइनस एक्टिव का स्क्वायर विच इज 2000। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, जो मेरे पास अपेरेंट पावर आएगी, दैट इज 3464.10 VAR, ये बनेगी, ये मेरी रिएक्टिव पावर बनेगी पीछे से जो आएगी। लेकिन आगे जो डिमांड है वो तो उतनी रहेगी, कितनी रहेगी डिमांड? डिमांड मेरी इतनी है, तो इसका मतलब जितनी डिमांड है वो ज्यादा है और पीछे से कम आ रही है, तो कैपेसिटर रिएक्टिव पावर देगा। तो आप बताइए रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटर क्या आएगी? रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर, सप्लाइड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा? दैट विल बी इक्वल टू, बताइए वो होगा 5196.62 माइनस 3464.10। और इसकी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, वो जो मेरे पास जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1732। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 3464.10, तो ये जो वैल्यू है 1732.52, ये आ गया दोस्तों। तो ये जो पावर सप्लाई की गई है कैपेसिटर ने की गई है, इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 400/√3 का स्क्वायर बाय एक्सी, ये बनेगा। तो यहां से एक्सी आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, एक्सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400/√3 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय, बोले भाई 1732.5, ये बनेगा। और एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1/ωc, और ओमेगा आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी मेरे ख्याल से, इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी है दैट इज 50 हर्ट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्स, तो इसका ये 100π बन जाएगा। तो आप बताइए सी की वैल्यू क्या बनेगी? तो यहां से अगर मैं देखूं सी विल बी इक्वल टू, ठीक है, सी को इधर ले जाओ, 1/100π 400/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो 1732.5 ये ऊपर आ जाएगा 1732.5, ठीक है। जो आंसर बनेगा दोस्तों, जो मेरे पास आंसर आया दैट इज 59.68 माइक्रोफेरेड, ठीक है भाई। तो आप चेक कीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था और पैरेलल में हमने लगाया था, इजीली हमने सोल्व कर लिया। अब जरा सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया होता कि मैं सीरीज में लगा रहा हूं, सो दैट जो एंगल है वो मेरा वही, मतलब एक रीड मेरा, एक वोट मीटर है वही सारी टोटल पावर रीड करे, दूसरा जीरो रीड करे, इसका था एंगल मेरा 60 डिग्री होना चाहिए, तो और मैं कैपेसिटर को सीरीज में लगा रहा हूं, तो वो भी आप सोल्व कीजिएगा। उस केस में जो आंसर बनेगा सी का, दैट विल बी इक्वल टू, मैं बता देता हूं, वो आना चाहिए 1060 माइक्रोफेरेड, इतना आना चाहिए अगर आप सीरीज में लगा रहे हो। तो आप चेक करना, वो एक अच्छा केस होगा भाई, ठीक है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन होगा, बट मैंने यहाँ पे पैरेलल में लिया है कि कैपेसिटर मेरा पैरेलल में है, तो सी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया ये, और ये जो एक्सरसाइज थी ये बहुत अच्छी थी, ठीक है, वोट मीटर के ऊपर जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम यही इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से, इस एपिसोड से अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हो और आपको एक आधी चीज़ समझ आई हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो कोर्सेज की जानकारी के लिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन से आप खरीद सकते हो, ठीक है। वैसे सारे कोर्स अवेलेबल हैं गेट और ESC के, तो उनको आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेरी आपको डालनी है इस पर क्वेरी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज का जो एपिसोड है उसको यहीं पर मैं रोक रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।